ओम शांति। आज की तारीख है 1/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे लक्ष्य सौंप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल रहनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए भी पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार भी हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहो। गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, प्रभु जी मेरी लाज रखो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, श्रीमत पर पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है। दूसरा है, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है, सारे विश्व के लिए। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हरेक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हरेक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।